Hey Google, turn off the outdoor light. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे स्मार्ट बल्ब के बारे में और देखेंगे कि इन दोनों ब्रांड में से कौन सा ब्रांड का स्मार्ट बल्ब अगर आप लोगे तो बेहतर रहेगा। सो ये रहा पैनासोनिक वाला स्मार्ट बल्ब और ये रहा हेवल्स वाला। अगर दोनों की पैकेजिंग देखोगे तो हेवल्स वाला थोड़ा बड़ा दिखता है और दोनों का अगर प्राइस के बारे में बात करूँ तो दोनों 2000 रुपये की MRP में आता है। 1999 और पैनासोनिक का भी MRP देखोगे तो 1999 है। लेकिन गाइस ये दोनों आपको अमेज़न में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। ये मुझे पड़ गया था 299 का, मतलब 300 रुपये, और ये 350 का, 350 में मिल गया था। चलो अब देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या मिलता है। पहले पैनासोनिक को खोलते हैं। इसके अंदर एक बल्ब मिलता है, ये 9.5 वाट की है, देख पाएंगे। वाईफाई प्लस ब्लूटूथ एनेबल स्मार्ट बल्ब है और इसके अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है और एक एलेक्सा गूगल होम लिंकिंग यूज़र मैनुअल, मतलब दो यूज़र मैनुअल मिलता है। तो वारंटी कार्ड और इस पर लिखा गया है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और सेकंड, इसका जो पैकेजिंग है ना गाइस, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसका जो कार्डबोर्ड का पैकेज है इससे तो बेहतर ही है और इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि देख पाएंगे ये कोई यूजुअल LED बल्ब जैसा नहीं है, थोड़ा स्टाइलिश बनाया गया है। देखने में लग रहा है कि थोड़ा स्मार्ट सा कुछ है। लेकिन अगर इसके आउटपुट की बात करूँ तो ये 9 वाट का है और वो पैनासोनिक का था 9.5 वाट का। और इसके साथ हमें बस एक ही यूज़र मैनुअल मिलती है और ये भी गूगल प्लस एलेक्सा से चलती है और सेम ये भी गूगल और एलेक्सा से चलती है। अब पैनासोनिक बल्ब के बारे में मैं पहले बात कर लेता हूँ। अगर आप इसको सेटअप करते हो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये वाला ऐप, लिखा गया है डाउनलोड द पैनासोनिक स्मार्ट वाईफाई फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। मैं अभी ये वाला ऐप डाउनलोड करता हूँ। ये रहा वो ऐप, इसको आपको इंस्टॉल करना है। गाइस यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरा पैनासोनिक स्मार्ट वाईफाई जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, उसी के बाद आपको फटाफट आपका बल्ब लगा देना है और स्विच ऑन कर देना है। करते ही आपकी जो बल्ब है वो पेयरिंग मोड पे चली जानी चाहिए, जैसे कि मेरा वाला चला गया है पेयरिंग मोड पे। जब रैपिडली ब्लिंक करता है उसका मतलब कि ये पेयरिंग मोड पे चली गई है। आपको सीधा क्या करना है, ऐड डिवाइसेस पे जाना है। जाने के बाद ये देखिए ऊपर डिस्कवरिंग डिवाइसेस, यहाँ पे ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुका है मेरा ये ऐप की कोई स्मार्ट बल्ब लगी हुई है पैनासोनिक की, लेकिन फिर भी ये ऐड मैन्युअली पे दिखा रहा है कि आप दूसरे भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो आपको मैन्युअली लाइट सोर्स पे क्लिक करना है। करने के बाद ये लोडिंग होगा। ये देखिए इसका थोड़ा इंटरफेस आ चुका है, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। और पकड़ लो कि आपका ये रैपिडली ब्लिंक नहीं हो रहा है, तब क्या करना है, तब देखिए आपका जो स्विच है इसको ऑफ ऑन ऐसे करते रहना है तीन बार। करने के बाद आपका ये जो लाइट है ऐसे रैपिडली ब्लिंक करने लग जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट करके देखिए यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है आपका वाईफाई का। वाईफाई रहना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, बिना वाईफाई के आप ये वाईफाई वाला लाइट यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। डिटेक्टिंग नेटवर्क स्टेटस, ये देखिए ये डिटेक्ट पेयरिंग मोड पे चला गया है। जैसे पेयर हो जाएगा तो ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। ये देखिए बींग एडिटेड, अभी भी एडिट में एडिट हो रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है बींग एडिटेड। थोड़ा टाइम लेगा पूरी तरीके से एडिट होने में। ये देखिए ऐड हो चुकी है, अब ऐड हो चुका है पूरा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ डन करके कि इस बल्ब के क्या क्या फीचर्स है। ये फिर भी थोड़ा लोड हो रहा है, ये यूजुअल सी बात है। सारे जो डाटा है वो इस ऐप में ले रहा है इस बल्ब का। गाइस ये देखिए पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये है ऑफ ऑन का। ये देखिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ हो गई। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ऑन हो गई। जैसे कि ये देखिए मैं इसको ऐसे वार्म टोन पे करता हूँ, ये देखिए अभी वार्म टोन पे चल रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं कैमरे पे। और इसको मैं जब मैं कोल्ड पे लेके जाता हूँ, ये देखिए कूल टोन पे चला गया है। और यहाँ से आप उसको इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये एकदम 0% पे है, ये थोड़ा बढ़ा दिया और ये एकदम 100% पे है।
और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे कि कलर्स हैं, फिर आप इसको ग्रीन कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन हो चुकी है, ब्लू भी हो जाएगी। तो गाइस ये देखिए पूरा ब्लू हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे सीन्स भी हैं, जैसे कि अगर मैं सीन पे क्लिक करता हूँ, क्रिसमस का एक सीन है। ये देखिए क्रिसमस के सीन पे जा चुकी है, अलग अलग लाइट ब्लिंक होती रहेगी टाइम टू टाइम। ये देखिए ब्लू। सो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एक यहाँ पे है म्यूज़िक, रिदम के हिसाब से चलेगा। अगर कोई म्यूज़िक आपने लगा दिया हो, कुछ भी साउंड आएगी तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। गाना लगा दोगे तो गाने के हिसाब से चेंज हो जाएगी। मैं गाना नहीं लगा रहा कॉपीराइट के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। गेम अगर खेल रहे हो तो गेम के हिसाब से ये चेंज हो जाएगी। गेम में जितने भी सारे ऐसे गन शॉट आएगी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। ये सारे फीचर्स है आपकी इस पैनासोनिक वाले पे। अभी हम बात करेंगे हेवल्स वाले की। हेवल्स में बताई गई है कि डिजिटप ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। ये मैं खोल रहा है डिजिटप ऐप और इसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं पहले से कर चुका हूँ। वही सेम चीज़ है, आपको पहले ऑन करना है और ये देखना पेयरिंग मोड पे चली जाएगी। ये देखिए पेयरिंग मोड पे चली गई है। सेम सिस्टम है गाइस, ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। देखिए गाइस एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, जो हेवल्स वाला है उसको थोड़ा टाइम लगता है। ये बल्ब पे मैं क्लिक कर दिया। हेवल्स का वैसे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, आप पैनासोनिक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। एयर कूलर, एयर प्योरीफायर, फैन, RGB लाइट्स और ये सारे बहुत सारे ट्यूबलाइट भी हेवल्स के। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हेवल्स का जो इंटरफेस है ऑलमोस्ट द सेम है, लेकिन ये थोड़ा मतलब टाइम लेता है कनेक्ट होने में। इससे पहले भी मैंने जब कनेक्ट करा था तब भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन पैनासोनिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। पैनासोनिक इज़ बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो सेम यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड दे देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, कंटिन्यू विथ करंट। सेम देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो रही है तो आपको कंफर्म करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ब्लिंक हो रही है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर चुका हूँ। और ये देखिए एक तो टाइम लेता है और ऊपर से खुद से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, नेटवर्क का कुछ ये देखिए प्रॉब्लम दिखा रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट द सेम है गाइस, आप इसी तरीके से अगर करोगे तो ये देखिए आ चुका है। 2 मिनट का टाइम लेगा और उसके बाद कनेक्ट होना है इसको। ये देखिए गाइस कनेक्ट हो चुकी है। गाइस ये कनेक्ट हो चुकी है लेकिन ये पूरा 2 मिनट का टाइम लेगा। मैं आपको फर्स्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा। फाइनली गाइस ये एडिटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। अननेसेसरी टाइम लेता है गाइस ये वाला, आई डोंट नो व्हाई। गाइस ये हो चुका है अभी। ये देखिए मैं जैसे ही इसको ऐसे घुमा के इस तरफ लेता हूँ, ये देखिए एकदम वार्म कलर पे जा चुकी है। और ये देखिए एकदम कूल सी टोन पे आ चुकी, ये देखिए एकदम कूल सी टोन पे आ चुकी है। और सेम यहाँ पे भी है, देखिए कलर्स पे अगर जाओगे तो जो जो कलर चाहिए सारे यहाँ पे हो जाते हैं। ग्रीन, ब्लू, ब्लैक तो नहीं, बाकी सारे कलर्स। और यहाँ पे सीन है देखिए, ये देखिए अलग अलग सीन है आपके हिसाब से सिलेक्ट सीन्स। इसमें थोड़ा स्टाइल अलग है। ये देखिए सीन कितने सारे दिया गया है, सेलिब्रेशन, फेस्टिव, सनसेट, रीडिंग, मूनलाइट, ब्लोजम। तो एक मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्लोजम। ये देखिए ये ब्लोजम सीन सिलेक्ट हो चुकी है। गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके मुंह से बोल के उसको कैसे ऑफ ऑन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हे गूगल, टर्न ऑफ द आउटडोर लाइट। ये देखिए गाइस लाइट आपकी ऑफ हो चुकी है। और गूगल से बोल के आप कुछ भी करवा सकते हो। हे गूगल, टर्न ऑन द आउटडोर लाइट। ये देखिए आउटडोर लाइट ऑन हो चुकी है। टर्निंग द आउटडोर लाइट ऑन। और यहाँ से भी आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हो इसकी इंटेंसिटी। ये देखिए कम कर दिया या ज़्यादा, ये कर सकते हो। और इसको गूगल को बोल के भी आप कलर चेंज करवा सकते हो। चेंज द कलर इनटू ब्लू।
सी गाइस ब्लू कलर में हो चुकी है. सो इसी तरीके से आप इसी तरीके से आप कर सकते हो स्मार्ट बल्ब की यूज़. और इसके लिए वाईफाई रहना बहुत ही ज़रूरी है. और मैं लास्ट आपको वर्डिक्ट दे देता हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए. देखिए पहली बात, ये तो 300 रुपये में मिला था, ये 350 रुपये में. सो यह भी ये हट जाता है. लेकिन अगर आपको एलिगेंट लुक चाहिए तो आप हैवेल्स की तरफ जा सकते हो. लेकिन इस पर आपको म्यूज़िक सिंक नहीं मिलेगा. और अगर आपको लगता है कि एक डिसेंट सा लुक होगा तो चलेगा, लेकिन आपको स्मार्ट जो म्यूज़िक कंट्रोल है वो अगर चाहिए तो आप ये ले सकते हो. इसमें म्यूज़िक के हिसाब से ये चलता रहेगा, ठीक है. और इसको आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो. अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. बहुत सारी आप चीज़ें कर नहीं पाओगे ब्लूटूथ से. अब ब्लूटूथ बहुत स्लो रहता है और तुरंत वो कलर चेंज नहीं होता. एक इसमें तो आप ब्लूटूथ से कर नहीं पाओगे. बस इसका एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, थोड़ा मॉडर्निस्ट सा है. लेकिन बाकी सब चीज़ों में ये मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर से आप इसमें म्यूज़िक कंट्रोल्स भी कर सकते हो. म्यूज़िक के हिसाब से आपकी लाइट चेंज होती रहेगी. और बाकी चीज़ें सब सेम है. और ये 9.5 वाट की भी है, ये ज़्यादा रोशनी देगा. और ये बहुत सिमलेसली कनेक्ट भी हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. सो गाइस मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पैनासोनिक पे जाइए आप. और ये कम महंगा भी है, मतलब सस्ता ज़्यादा पड़ता है, 50 रुपये का. सो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.